स्पाइसी कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे उबले हुए आलू, क्योंकि हम इसका बनाएंगे कोफ्ते। सो कोफ्ता बनाने के लिए हमें आलू चाहिए और आलू भी हमें उबले हुए चाहिए। सो आलू हमने पहले से उबाल के मैश करके रख दिए ताकि ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। आप इसे मैश भी कर सकते हैं और आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिल्ली, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, रोस्टेड जीरा। जीरे को हमने हल्का सा भून के और मैश करके रखा हुआ है, आप इसे ऐसे ही करके रख लें और जब भी आप कुछ बनाएं आप उसमें डाल सकते हैं। और फाइनली नमक स्वाद अनुसार, और धनिया, और फाइनली हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोफ्ता बनाने के लिए। आलू का मिक्सचर तैयार करने के बाद हम इसमें डालेंगे कम से कम 4 टेबलस्पून बेसन। आप इसे मोटा बेसन या बारीक बेसन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 4 चम्मच हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो, क्योंकि इसको यही बाइंडिंग करेगा। हम इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लोर और मैदा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली आप इसे इसी तरह करें। और इसके बाद हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे ताकि हम थोड़ा जब हम कोफ्ता बनाएं तो कोफ्ते में पनीर को स्टफ कर दें। सो आप इसे इसी तरह से अच्छे से इसका मिक्सचर बना के साइड में रख दें और फिर बनाएं पनीर का मिक्सचर जो कि हम इसमें स्टफ करेंगे। सो थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके हमने रखा है और इसमें थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, हरी मिर्च और प्याज और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले से ही मिक्सचर में डाला था तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हमसे मिला लेंगे, इसे हम स्टफिंग में डालेंगे। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि हम मिक्सचर बनाएंगे और मिक्सचर बनाने के बाद में हम इसको पनीर को बीच में स्टफ करेंगे। मिक्सचर और स्टफिंग दोनों रेडी हैं, अब हम इनको कोफ्तों को बनाएंगे और इसी तरह आपको ही बनाना है। और इसके अंदर हमने जो मिक्सचर बनाया है पनीर का उसे स्टफ करेंगे। आप भी इसको इसी भी तरह बीच में रखें और उसको ऐसे बंद कर दें। वैसे जो नरगसी कोफ्ते की शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है, अंडे की तरह सेप दी जाती है इसकी, और आप इसे इस तरह की भी सेप दे सकते हैं। सो ये आपके हाथ में, आप किस तरह की सेप देना चाहते हैं, लेकिन हम जो बनाएंगे वो इस तरह की सेप देंगे जैसे कि अंडा होता है। तो आप इसे इसे गोल करें और इसको अंडे वाली सेप दे दें, बिल्कुल इसी तरह। देखिए दोस्तों, अंडे वाली सेप बन गई है, आप भी इसी तरह बनाएं और इसी तरह सारे कोफ्ते बना लें। हमारे नरगसी कोफ्ता बिल्कुल तैयार है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब हम करेंगे नरगसी कोफ्तों को फ्राई। तेल को आप थोड़ा सा ज़्यादा ही हीट रखें ताकि हमारे कोफ्ते फटे ना। अगर हम इनको हल्की आंच पे करेंगे तो हमारे कोफ्ते फट सकते हैं, इसलिए हम इन्हें थोड़ा हैवी हीट पे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर आप इसको हिलाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद हिलाएंगे और आप इसे देखेंगे ये बिल्कुल ईजिली आराम से बहुत अच्छे कलर में फ्राई होगा। कोफ्ता बिल्कुल फ्राई हो चुका है, आप देखेंगे कितना अच्छा इसका कलर आया है।
और आप इसको इजीली ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। एक प्रोसेस बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। कोफ्ता सबसे पहले फ्राई करना होता है, उसके बाद में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं और इसकी ग्रेवी बनाते हैं। सो नरगसी कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा प्याज को भून लेंगे। सो थोड़ा सा हमने तेल लिया है, इसके अंदर आप सीधा प्याज डालें। हमें इन प्याज को कैरमलाइज करना है, थोड़ा सा भून के बाद में हमें इसका पेस्ट बनाना है। सो उसके लिए हम कच्ची प्याज यूज़ नहीं करेंगे, पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा प्याज को भून कर यूज़ करेंगे, थोड़ा कैरमलाइज कर लेंगे। इन प्याजों को हमने क्यूब साइज काटा है, मोटा मोटा काटा है क्योंकि हमें इसको फाइनली पेस्ट बनाना है। सो आप इसको मोटा मोटा काट सकते हैं, तो आप इसी तरह काटें। और इसके अंदर हरी मिर्च डाल दें, हरी मिर्च से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह इन प्याजों को आपको भूनना है और भून के इनको निकाल लेना है, फिर हम इनका पेस्ट बनाएंगे। प्याज कैरमलाइज हो गई है, अब हमें थोड़ा ठंडा करके इनका पेस्ट बनाएंगे। इतना प्याज ठंडा होगी हम अपना इसको थर्ड प्रोसेस पे जाके, क्योंकि पहला प्रोसेस आपने कोफ्ता देखा था, दूसरा आपने देखा कि हमने प्याज को कैरमलाइज करके निकाला है, और थर्ड प्रोसेस इसकी ग्रेवी बनाएंगे और बाद में ये पेस्ट उसमें डालेंगे। तो जब तक हमारा ये जो प्याज है ये थोड़ी ठंडी हो, इतना हम ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगभग चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं बड़ी करछी से लैडल से डाल रहा हूँ, आप भी इसी से डाल सकते हैं, लेकिन लगभग आपको 2 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा, जो काफ़ी है। उसके बाद आप डालिए आधा चम्मच, छोटा चम्मच जीरा, थोड़े से खड़े मसाले, साबुत लाल मिर्च 1 या फिर 2, जिससे ज्यादा ना हो, और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको भून लिया, आप भूनते वक्त थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो अदरक लहसुन का पेस्ट है अच्छे से भून जाए। हमें ग्रेवी को लाल बनाना है। दोस्तों एक छोटी सी टिप दूंगा यहाँ पर, अगर आप कभी भी ब्रेड तेल में पहले कश्मीरी मिर्च डालते हैं और बाद में टमाटर डालते हैं तो उसका कलर लाल बनता है। आप कभी भी मटन बनाएं या कोई भी लाल आइटम बनाने की कोशिश करें, हमेशा पहले तेल के अंदर मिर्ची को भून लें। देखिए आप ऑटोमेटिकली इसका लाल कलर हो गया है। अब हम इस पर टमाटर प्यूरी डालेंगे, जो हमने पहले से ही 2 टमाटर की टमाटो प्यूरी बना के रखी थी। आप भी इसी तरह बना के पहले रख लें ताकि जब आप बनाएं तो प्रोसेस ईजी हो और आप उसे आराम से बना लें। अब इसमें आप थोड़ी सी आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल सकते हैं, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, और मसाले को थोड़ा पकाइए। और पकाने के बाद में हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। इतना हमारा मसाला भुनता है, हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। मसाला बिल्कुल भुन चुका है, आप देखिए। अब हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डालेंगे। में अगर थोड़ा सा मसाला रह जाए तो आप इसमें पानी मिला के डालिए ताकि कोई भी हमें वेस्टेज नहीं दिखानी है। सो आप इसे इस तरह डाल दीजिए। अब इसको फुल फ्लेम पे इसे पकाइए। आप देखेंगे कि इसका धीरे धीरे कलर टर्न हो जाएगा और इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा। नरगसी कोफ्ता आप जब भी बनाएं, वेज बनाएं, नॉन वेज बनाएं, आप जब भी बनाएं ग्रेवी इसी तरह बनाएं। अगर आप इसे नॉन वेज बना रहे हैं, चिकन और अंडे के साथ बनाएं। थोड़ी देर अब इसे हम ढक्कन लगा के पकाएंगे और उसके बाद में इसे चेक करेंगे। सो ग्रेवी बिल्कुल तैयार है।
अब हम इसके अंदर कोपे डालेंगे। ग्रेवी अगर सेट ना हो आप इसके अंदर थोड़ा पानी लगा सकते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। अगर आपको कोपा थिक खाना है तो आप थिक भी बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड या थोड़ा पतला बनाना है तो आप इसे थोड़ा इसी तरह बना सकते हैं। आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, हम क्रीम ऐड नहीं कर रहे हैं, आप इसमें ऊपर से बटर भी ऐड कर सकते हैं, ये सब ऑप्शनल होता है। और फाइनली धनिया आप इसमें डालेंगे। और गरम मसाला अगर आप ये थोड़ा थिन थोड़ा पतला रखेंगे तो कोफ्ता बाद में काफ़ी पानी सो कर लेता है, सो इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के पकाना चाहते हैं तो इसे पका सकते हैं। इसी तरह आप भी पानी डालें थोड़ा, और सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इसको लीड लगा के दम पर रखें और उसके बाद में आपका कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। आप इसे इसी तरह सर्व करें। फ्रेंड्स कोफ्ता बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे ढक रहे हैं और सिर्फ 2 मिनट के बाद हम इसे बंद कर देंगे, 2 मिनट दम पे रखेंगे और इट इज़ रेडी टू सर्व। सो आइए देख चेक कर लेते हैं कि हमारे कोफ्ते कैसे बने हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर हम देसी घी लगा देते हैं, घी मेरा फेवरेट है, आप भी अगर इसके घी डाल के खाएंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा, सो आप भी इसे देसी घी डाल के बनाएं और खाएं। फाइनली ये तैयार है। वेज लस्सी कोफ्ता बिल्कुल तैयार है, हमने इसको बीच में से काट के इस तरह प्रेजेंटेशन करी है। आप भी इसको इसी तरह करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके घर में गेस्ट आए अगर आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और आप इसे डायरेक्ट भी बिना काटे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बस थोड़ी ग्रेवी डालिए और रोटी नान के साथ में इसे सर्व कीजिए। थोड़ा सा कोरिएंडर और आपकी डिश बिल्कुल रेडी है, आप इसका इसी तरह मज़ा लीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। सो कुकिंग फटाफट बाय शेफ दीपक में आज इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा से कोई नई डिश लेके। जब तक के लिए इस डिश को बनाएं, खाएं और खिलाएं और इन्जॉय किए। थैंक यू फ्रेंड्स।